हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज 4.4। 4.3 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 4.3 में हमने क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 4.4। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर के बारे में देखते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, राइट माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स। आपको ये डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, इसके माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करेंगे। माइनर हमारे पास क्या होता है? माइनर हमारे पास होता है माइनर ऑफ A11। इट मीन्स फर्स्ट रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, उसके अलावा जो हमारे पास एलिमेंट बचेगा उसको हम क्या लिखेंगे? माइनर। फर्स्ट रो हमने नेगलेक्ट की, फर्स्ट कॉलम नेगलेक्ट किया, क्या बचा हमारे पास? 3। तो क्या आ जाएगा? माइनर ऑफ A11 3। अब इसका जब हम कोफैक्टर निकालते हैं तो हमारे पास 11 इज इक्वल टू माइनस, इसके लिए जब कोफैक्टर निकालते हैं उसके लिए हमारे पास मेथड है AIJ माइनस 1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ, ये हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है। अब देखो आई जे की जगह हमें क्या रखना है? 1 1, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया? माइनस 1। आई प्लस जे 1 प्लस 1 और एम 1 1, माइनस 1 की पावर 2 हमारे पास क्या आएगी? प्लस आ जाएगी। और एम 1 1 हमने अभी क्या निकाला है? 3। ये एज इट इज रख देंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 3। सेकेंड है 1 2। 1 2 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनर ऑफ 1 2 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। फर्स्ट हमने रो को नेगलेक्ट कर दिया, सेकेंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दिया, क्या आया? 0। इसी तरह हमारे पास जब कोफैक्टर निकालेंगे माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 और इनटू में 0। 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। माइनस 1 की पावर 3 क्या आएगा? माइनस 1, लेकिन माइनस 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, क्या बनेगा? 0। नेक्स्ट है हमारे पास 2 1, क्योंकि हमारे पास से जो मैट्रिक्स उसके अकॉर्डिंग करते हैं 3x3 की होगी तो वही एलिमेंट लेंगे, 2x2 की है तो 2x2 के अकॉर्डिंग एलिमेंट लेंगे। अब हमारे पास क्या है? 2 1। माइनर ऑफ 2 1 इज इक्वल टू, अब 2 1 में क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड हमारे पास ये रो हो गई और फर्स्ट कॉलम क्या आया? एलिमेंट माइनस 4। ये हमारे पास क्या आ गया? माइनस 4। ए 2 1 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर, अब देखो 2 प्लस 1 कर देंगे और ये हमारे पास क्या है? माइनस 4। 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, तो हमारे पास माइनस 1 की 3 पावर क्या आएगी? माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसीलिए हमारे पास क्या आया? 4। एम 2 2, माइनर ऑफ ए 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या बचेगा? डिजिट 2 बचेगा। ए 2 2 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा? माइनस 1 की और इवन पावर आ जाएगी तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और इन 2 में हमारे पास 2 है, क्या आ जाएगा? इज इट इज 2। इसी तरह सेकंड पार्ट है ए बी सी डी। एम 1 1 निकालेंगे, माइनर ऑफ 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? डी। और जब इसका माइनर निकालेंगे तो माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 2, ये प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा? इज इट इज डी। माइनर ऑफ 1 2, 1 2 हमारे पास फर्स्ट रो आ गई, सेकंड कॉलम आ गया, क्या आएगा? बी आएगा। और 1 प्लस 2 को प्लस करेंगे तो कितना आया? 3। ये अगर हमारे पास ये ओड पावर है तो हम क्या लिख देंगे? नेगेटिव कर देंगे। माइनर ऑफ 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आया? सी। अब जो हमारे पास 2 प्लस 1 का अगर सम करते हैं क्या? 3। 3 हमारे पास एक ओड नंबर है, ओड नंबर है तो इसको हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, नेगेटिव साइन आ जाएगा हमारे पास। माइनर ऑफ 2 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
रो सेकंड कॉलम, क्या बचेगा हमारे पास, ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ऐसे ही दिया हुआ है, हमें माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करने हैं। अब भी हमारे लिए सेम मेथड रहेगा, M11 निकालना है, इट मींस फर्स्ट रो नेगलेक्ट करना है, फर्स्ट कॉलम। हमारे पास एलिमेंट क्या बचे, 1001, ये एलिमेंट बचे ना हमारे पास। अब इनका जैसे हम डिटर्मिनेंट करते थे वैसे 1 1 जा 1 और माइनस 0 क्या आया, 1। अब इसको देख लेंगे, 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, ये इवन नंबर है तो इसको मैं एज इट इज लिख देंगे। आपको सिर्फ ये करके देखना है कि जब हम इन डिजिट्स को प्लस कर रहे हैं, अगर इवन नंबर आता है तो एज इट इज रखेंगे, अगर ओड नंबर आता है तो उसका साइन चेंज करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है M12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचे, 0001।
ये लिख लिए हमने एलिमेंट से, इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगा, जीरो, इनके भी क्या आएगा, जीरो, जीरो आ जाएगा। अब जीरो के साथ किस कुछ भी प्लस माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा, जीरो आएगा। एम वन थ्री, इसी तरह इसके लिए कर दिया हमने, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जीरो वन जीरो जीरो, जीरो 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 वन आ गया हमारे पास से, इनकी मल्टीप्लाई भी क्या आएगी, जीरो आ जाएगी हमारे पास से, तो ये भी क्या आ जाएगा, ए वन थ्री माइनस वन की पावर फोर, जब जीरो है तो क्या आएगा, ये भी पूरा का पूरा जीरो आ जाएगा। इसी तरह से फिर इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, एम ए टू वन निकाल लेंगे, एम ए टू टू निकाल लेंगे, ठीक है। एम टू वन हमारे पास से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास ये डिजिट्स आ जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई क्या आई, जीरो आई, तो ये भी क्या होगा, जीरो। अब इसकी करेंगे वन जीरो जीरो वन, वन वन जा वन, और ये क्या आ गया, जीरो, तो हमारे पास वन आया। टू प्लस टू क्या होता है, फोर, पॉजिटिव नंबर है तो एज इट इज आ जाएगा पॉजिटिव, सॉरी फोर हमारे पास इवन नंबर है। टू प्लस थ्री फाइव, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आया, जीरो, तो ये भी नेगेटिव एज इट इज रहेगा जीरो। थ्री वन, ये हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे, इनका भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये भी क्या रहेगा, जीरो। थ्री टू वन जीरो जीरो वन, ये भी जीरो आ गया, ये भी क्या रहेगा, जीरो। थ्री थ्री में हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वन, बट थ्री प्लस थ्री क्या हो गया, सिक्स, सिक्स इवन नंबर है, इवन नंबर है तो एज इट इज लिख देंगे वन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी आपको ये दे रखे हैं डिजिट्स, एम वन वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा, फाइव वन माइनस वन टू, ये हमारे पास आ गए, फाइव टू जहाँ टेन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वन वन जहाँ वन, टेन प्लस वन इलेवन, और ये हमारे पास इवन नंबर है इनका सम, तो क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थ्री जीरो माइनस वन टू, ये एलिमेंट्स आ गए, थ्री टू जहाँ सिक्स, और ये क्या आ जाएगा, माइनस जीरो, हमारे पास क्या आया, सिक्स। वन प्लस टू कितना होता है, थ्री, थ्री हमारे पास ओड नंबर है इसीलिए हम जो सिक्स आया है उसको चेंज कर देंगे, क्या होगा, माइनस सिक्स। नेक्स्ट है वन थ्री फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो छोड़ दी, थर्ड कॉलम थ्री फाइव जीरो वन, थ्री वन जहाँ थ्री, और ये क्या आ जाएगी, जीरो, तो हमारे पास थ्री है। वन प्लस थ्री फोर, फोर इवन नंबर है तो एज इट इज लिख दिया हमने थ्री। नेक्स्ट है टू वन, टू हमारे पास सेकंड रो हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम आ जाएगा जीरो, फोर वन टू, इनकी मल्टीप्लाई जीरो आ जाएगी वन की, और फोर की मल्टीप्लाई माइनस फोर आ जाएगी, ये माइनस फोर है। टू प्लस वन क्या होता है, थ्री, थ्री ओड नंबर है तो माइनस का क्या कर दिया हमने, प्लस। टू टू सेकेंड रो छोड़ देंगे, सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, वन जीरो फोर टू, वन जीरो फोर टू, टू वन जा टू, और ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू टू। टू प्लस टू क्या होता है, फोर, इवन नंबर है तो एज इट इज छोड़ दिया टू। टू थ्री सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हमने नेगलेक्ट किया, क्या आया, वन जीरो जीरो वन, वन वन जा वन, माइनस जीरो। टू प्लस थ्री कितना हो गया, फाइव, अगर ये इवन, सॉरी ओड नंबर है तो ये प्लस था, ये क्या कर दिया हमने, माइनस। थ्री वन, थ्री वन में हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो, फाइव फोर माइनस वन, ये जीरो हो जाएगा, फाइव फोर जा ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी। थ्री प्लस वन कितना हो गया, फोर, फोर हमारे पास इवन नंबर है तो हमारे पास नेगेटिव है इसीलिए एज इट इज लिख लिया हमने नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एम थ्री टू, थ्री टू में हमारे पास एलिमेंट्स क्या आएंगे, वन थ्री फोर माइनस वन, वन वन जा माइनस वन, फोर थ्री जा ट्वेल्व, माइनस वन और माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टीन। थ्री प्लस टू कितना हो गया, फाइव, फाइव हमारे पास ओड नंबर है, ओड नंबर है तो माइनस का क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। थ्री थ्री, वन थ्री जीरो फाइव, वन वन जा सॉरी वन फाइव जा फाइव, थ्री और जीरो, जीरो आ जाएगा तो फाइव आ गया। थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स हमारे पास इवन नंबर है तो एज इट इज लिख लिया हमने फाइव, ठीक है। ये थे हमारे पास माइनर एंड कोफैक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको स्पेसिफिक कोई रो दी गई है जिससे हमें उसको कोफैक्टर निकालने हैं, कि किस रो से हमें निकालना है। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, सेकंड रो के जो हमारे पास कोफैक्टर और एलिमेंट्स हैं उनका यूज करके हमें फाइंड करना है डिटरमिनेंट, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल इज इक्वल टू, ये हमारे पास मेथड होता है, ये मैट्रिक्स दी है, इसका मेथड क्या आएगा, ए टू वन, क्योंकि जब भी हम करते हैं तो ऐसे ही तो आता है हमारे पास ए टू वन, ये तो हमारे पास एलिमेंट्स हो गया, ये उसका कोफैक्टर प्लस ये ए टू टू। अब देखो सेकंड रो से अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये हमारे पास रो ये आएगी, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री,
ये एलिमेंट्स लिख लिए, उसके बाद हम क्या लिखते थे कि 2 1 है कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया तो ये एलिमेंट्स आ जाते थे हमारे पास, उसको हम क्या लिखते थे कोफैक्टर लिखते थे। तो ये हमारे पास इसका क्या है कि फॉर्मूला, ठीक है। अब ए 2 1 हमारे पास कितना है, 2 है, और ए 2 2 हमारे पास कितना है, 0, ए 2 3 हमारे पास कितना है, 1, 2 1 निकाल लेंगे, मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3 8 2 3 8 2 3। को फैक्टर निकालते टाइम हम इन दोनों को प्लस करते थे, माइनस 1 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 3 3 जहाँ 9 और 2 8 जहाँ 16, 9 माइनस 16, और माइनस की पावर ओड थी इसलिए हमने एक बार भी माइनस लगाया, 9 माइनस 16 क्या आएगा, -7, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा इसीलिए क्या आया हमारे पास से 7। ए टू टू हमने निकाला, सेकंड रो छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, 5 1 8 3 ये हमारे पास आ जाएगा, और 2 प्लस 2 4, -1 की पावर 4, ये हमारे पास क्या आएगा, एक इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, 5 3 जहाँ 15, -8 15 -8 आपके पास क्या आएगा 7। 2 3 हमारे पास क्या है, सेकंड रो है, थर्ड कॉलम छोड़ दिया, 5 3 1 2, ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए, -1 की पावर 2 प्लस 3 5 आ गए, माइनस की पावर ओड है तो हम क्या कर देंगे, माइनस बार लगाएंगे, 5 2 जहाँ 10, -3 10 -3 आपके पास क्या आएगा, -7, ठीक है। अब हम इसके अंदर पुट कर देंगे, a21 इसके अंदर पुट करेंगे, a21 हमारे पास कितना है 2, इसके कोफैक्टर निकाला कितना आया 7, +2 2 हमारे पास कितना है 0, कोफैक्टर 7, प्लस ये हमारे पास 1 है और ये क्या है -7, 7 2 जहाँ 14, माइनस ये 0 हो जाएगा, 1 और -7 की -7, इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा आपके पास से 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम को मान के हमें कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स को मान के थर्ड कॉलम के, और हमें डिटरमिनेशन फाइंड करना है, कैसे करेंगे देखो, आपको मेथड पता है, थर्ड हमारे पास कॉलम है तो थर्ड कॉलम क्या आएगा, ये हमारे पास थर्ड कॉलम है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, a13 a23 एंड a33। अब जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं के कोफैक्टर लगा देंगे साथ में और बीच में प्लस आ जाएगा, a13 प्लस ऐसे लिख दिया हमने। अब देखते हैं a13 हमारे पास क्या है, yz दे रखा है, ठीक है, 2 3 हमारे पास zx है और 3 3 xy है, 1 3 के लिए देखते हैं, -1 की पावर 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो फर्स्ट हमने रो छोड़नी है थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो छोड़ दी थर्ड कॉलम, 1 1 yz ये आ जाएगा आपके पास से, इसके और इसके मल्टीप्लाई z, 1 के और y की y क्या आ जाएगा, z माइनस वाई, 2 3 -1 की पावर 5 आ गई और ओड पावर है तो बाहर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, 2 3 सेकेंड हमारे पास रो है थर्ड कॉलम है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 x 1 z 1 x 1 z, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे z आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई x आ जाएगा, इसी तरह 3 3 निकाल लेंगे, 1 1 x y, अब इसकी कर देंगे क्या आएगा, y - x, इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे, कैसे ये आ गया हमारे पास a13 ये हमारे पास आ गया, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी वाई जेड, जेड माइनस वाई एज इट इज़ वैल्यू पुट कर दी। अब इस वैल्यू को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वाई जेड की जेड से करेंगे क्या आएगा, वाई जेड स्केयर माइनस वाई सॉरी वाई स्केयर जेड, जब हम इसकी वाई जेड की जेड के साथ की तो क्या आया, जेड 2 टाइम्स हो गया, जेड स्केयर माइनस, अब वाई हमारे पास कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे, वाई स्केयर जेड प्लस जेड एक्स स्केयर माइनस एक्स जेड स्केयर प्लस एक्स वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई। अब हमारे पास ये है, इनको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास टर्म क्या क्या है, जेड एक्स स्केयर है और दूसरी हमारे पास क्या है, एक्स स्केयर वाई, हमने एक्स स्केयर वाली टर्म उठाई, इन दोनों के अंदर एक्स स्केयर है, जेड एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई, माइनस उसके बाद टर्म क्या है, एक्स जेड स्केयर प्लस एक्स वाई स्केयर प्लस वाई जेड स्केयर माइनस वाई स्केयर जेड, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आएगा, एक्स स्केयर क्या आया अंदर, एक्स स्केयर इसमें से बाहर आया, क्या आएगा, जेड माइनस वाई, इसमें से इन दोनों में से हमारे पास क्या आया कॉमन, एक्स क्या आएगा, जेड स्केयर माइनस वाई स्केयर, माइनस भी हमने बाहर कॉमन ले लिया इसलिए प्लस का क्या हो गया, माइनस,
प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, वाई और जेड। यहाँ टू टाइम्स जेड था, एक जेड बचेगा, यहाँ टू टाइम्स वाई था, यहाँ वाई बचेगा। अब तीनों में देखो जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई। अब जेड माइनस वाई तीनों में से कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्केयर माइनस एक्स, ये माइनस का बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, जेड प्लस वाई, और यहाँ क्या आया, वाई जेड। जेड माइनस वाई एक्स स्केयर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। जेड माइनस वाई इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, एक्स, क्या बचेगा, एक्स माइनस जेड। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, माइनस वाई, क्या बचेगा, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब इन दोनों में क्या आ गया, एक्स माइनस जेड कॉमन, तो एक्स माइनस जेड को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, यहाँ एक्स और यहाँ माइनस वाई, यही हमें सॉल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए वन वन, ये आपको एक 3x3 की मैं डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इज को फैक्टर ऑफ ए आई जे, इसके को फैक्टर हैं ए आई जे, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन। इसकी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालनी है। अगर हम कभी भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो फर्स्ट रो से निकालो, फर्स्ट कॉलम से निकालो, सेकंड रो सेकंड कॉलम किसी से भी निकालेंगे हम, डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, ये नहीं है कि फर्स्ट रो से निकालेंगे तो अलग आएगा, सेकंड रो से निकालेंगे अलग आएगा, बिल्कुल नहीं। चाहे हम किसी भी कॉलम से निकालें या किसी भी रो से निकालें, हमेशा डिटर्मिनेंट सेम रहता है। ठीक है, अब देखो अभी हमने इन दो क्वेश्चंस में हमने किया था क्या है कि एलिमेंट्स और कोफैक्टर सेम होगा तो हमारे पास सॉल्व है डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं, वन वन ये ठीक है, वन टू, बट ये तो नहीं है, ये वन टू, ये थ्री टू है, ये नहीं हो सकता। वन 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 टू, ये टू वन आ गया, ये भी नहीं हो सकता। टू वन वन वन, अब ये यहीं पर गलत है, ये भी नहीं हो सकता। वन वन टू वन टू वन, थ्री वन थ्री वन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्ट डी। डी हमारे पास क्या है, इसका राइट आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू।